हेलो गाइज, आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या क्या खाना होगा और किन चीज़ों को खाकर हम अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको खाकर हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग हड्डियों की सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हड्डियाँ ही है जो हमारे शरीर को बैलेंस देती है। अगर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो हमें टांगों, बाजू, कमर और घुटनों में दर्द होने लगता है। ये सब कैल्शियम की कमी से होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमें एक ऐसा डाइट प्लान तैयार करना चाहिए जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देगी। नंबर एक, डेयरी उत्पाद। दूध, दही और पनीर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक कप दूध, एक कटोरी दही और लगभग 100 से 200 ग्राम पनीर का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। ये तीनों चीजें हड्डियों की मजबूती और संरचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है, इसीलिए आप इसका सेवन अवश्य करें। नंबर दो, केला। केले में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम हड्डियों और दांतों की संरचना के निर्माण के लिए एक आवश्यक विटामिन है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप रोजाना एक केले का सेवन जरूर करें। रोजाना एक केले का सेवन करने से आपकी हड्डियां मजबूत होगी। नंबर तीन, पालक। यदि हम पालक का सेवन करते हैं तो पालक के सेवन से हमें डेली जरूरत का लगभग 25% कैल्शियम मिल जाता है, जो हमारी शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। पालक की पत्तियों में आयरन और विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए आप पालक का सेवन जरूर करें। नंबर चार, अनानास। अनानास में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जिससे शरीर को बैलेंस करने में मदद मिलती है। अनानास कैल्शियम की कमी को हमारे शरीर में पूरी करने में मदद करता है। आप अनानास को अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें। नंबर पाँच, बादाम। बादाम उन ड्राई फ्रूट में आता है जो शरीर को एक से ज़्यादा लाभ पहुंचाने में मदद करता है। बादाम बाल, आँख के लिए सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट है। इसके साथ यह हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। बादाम में कैल्शियम के साथ विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। इसीलिए आप प्रतिदिन 10 से 15 भीगे हुए बादाम का सेवन जरूर करें। इसके सेवन से आपकी कमजोर हड्डियां मजबूत बनेगी। नंबर 6, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि आप रोजाना सोयाबीन का सेवन करते हैं तो इसके सेवन करने से आपकी हड्डियां मजबूत बनती है। नंबर 7, चीज का इस्तेमाल कई तरह के फास्ट फूड को तैयार करने में किया जाता है। चीज प्रोटीन से भरपूर होता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर है तो आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसका सेवन बढ़ाना चाहिए। इसके सेवन से आपकी हड्डियां मजबूत होगी। नंबर 8, जीरा। जीरा में काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जीरे के पानी पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। जीरा पानी बनाने के लिए आप एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच जीरा डालकर दिन में उस पानी को 2 से 4 बार पिए। इसको पीने से भी आपकी कमजोर हड्डियां मजबूत बनी रहेगी। दोस्तों, जो कुछ मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया है, अगर आप इसका प्रतिदिन सेवन करते हैं तो निश्चय ही आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहेगी। बाकी आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।